نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों आपसे सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि आपका जो तालीम कुरान का सबक जा रहा है आपकी तरफ सेंड किया जा रहा है उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो पिछले लेक्चर सेंड हुए हैं या जो ये आज लेक्चर जा रहा है इन सारों की वॉइस आप बनाकर मुझे मशक करके मुझे सेंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों ज़रूरी काम ये है, हम इसी काम के लिए दुनिया में आए हैं, कुरान को पढ़ने सीखने सिखाने और समझाने के लिए आए हैं, लेकिन हम कुरान पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इसका रिप्लाई भी देंगे, मशक भी करेंगे खूब से, और मुझे इसका वॉइस जो मशक की वॉइस है वो मुझे सेंड करेंगे। तो आज अपने लेक्चर का जो आगाज़ है वो हम अच्छी बात से करेंगे। तो आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये जो तीन चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ इसका आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। सही है, इन तीन चीज़ों को हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक हुस्ने अखलाक, नंबर टू कुरान पाक, नंबर तीन नेक आमाल। तो हुस्ने अखलाक जो आपके हैं अगर आप उनको अच्छा कर लेते हैं, हुस्ने अखलाक से मुराद क्या है? अच्छे अखलाक, लोगों के साथ जो मेल जोल है, बात करने का तरीका है, या लोगों के साथ बैठना उठना चलना फिरना जो है आप उसको अच्छा कर लो। तो ये अगर आपका अच्छा हो जाता है तो मसला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका अखलाक जो है वो अच्छा हो गया है। तो प्यारे बच्चों अगर आप हुस्ने अखलाक को अच्छा कर लेते हैं तो जब आप ये दुनिया को छोड़ कर जाएंगे तो लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी था, जहाँ से गुजरता था सलाम बुला के जाता था, अगर किसी से मिलता था तो अच्छे तरीके से मिलता था। तो उसने अखलाक में ये भी आता है कि हम जो अपने छोटा आपसे जो हम आपसे छोटा है उस पर शफकत करेंगे, जो आपसे बड़ा है उसका अदब और एहतराम करेंगे। कुरान पाक अगर हम कुरान पाक अपना दोस्त बनाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि हमें आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, अल्लाह के जो अहकाम है वो डायरेक्टली आप पर पहुँचेंगे, आप उन पर अमल करेंगे, और आखिरत में क्या फ़ायदा होगा, यह कुरान आपकी बख्शिश करवाएगा, कब्र में आपको अजाब से बचा आएगा। नेक अमाल जो है अगर आप आज नेक अमाल को दोस्त बना लेते हो तो उसका आपको क्या फायदा होगा, उसका फायदा प्यारे बच्चों ये होगा कि जो नेक अमाल है वो आप दुनिया में आप करोगे तो जब आप फौत हो जाओगे तो आपके साथ कोई चीज़ भी नहीं जाएगी, अगर आपके साथ कुछ जाना है तो वह नेक अमाल जाएंगे। तो नेक अमाल आपको कब्र में भी काम आएंगे, कब्र के बाद जितनी भी घाटियाँ आ रही हैं उन पर वह नेक अमाल क्या होंगे, काम आएंगे। और अगर आपके अमाल अच्छे होंगे, नेक से मुराद क्या है, अच्छे, तो अगर अमाल अच्छे होंगे तो आपको नामा अमाल क्या मिल जाएगा, दाएँ हाथ में, दाएँ हाथ में कि नामा अमाल से मुराद क्या, टिकट मिलेगा जन्नत का, तो दाएँ हाथ में मिल जाएगा। तो आप खुशी खुशी सबको दिखाते हुए क्या करेंगे, जन्नत में जाएंगे। तो अगर आपके अमाल अच्छे नहीं होंगे तो आपकी कब्र में भी तंगी, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, माल दौलत तो यहाँ रह जाना है, तो आपकी कब्र में भी तंगी होगी, आखिरत में भी तंगी होगी, और जो टिकट है जो नामा अमाल है वो बाएँ हाथ में मिल जाएगा, तो आपको फिर वो जहन्नम का टिकट होगा, वो तो जहन्नम में कब्र आग होगी, आजाब होगा, तो तंगियाँ ही तंगियाँ होंगी। तो प्यारे बच्चों ये तीन चीज़ों का हम अगर अपना लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी और आखरत भी क्या हो जाएगी, अच्छी। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का जो हमारा सबक है वो तालीम कुरान नूरानी कायदा है। सबक नंबर जो है हमारा जो है पाँच, सबक नंबर तख्ती नंबर टू है, लेक्चर नंबर पाँच है जी। तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे वॉइस सेंड किया करें, तो आप जो मैं आज का सबक सेंड कर रहा हूँ तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करके मुझे रिप्लाई करना है जी। तो हम सबक का आगाज़ करते हैं, बा काफ ता। इन तीनों को मिलाएंगे, क्योंकि ये मुरक्कबात की तख्ती है, इन तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बाकाफ्ता। ये इसमें जो काफ आ रही है ये बारीक आ रही है, बाकाफ्ता ताकाफ्ता बा ता सा नून
या अपने सबक को फिर दोहराता हूँ, आप तवज्जो कीजिएगा। बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा, नून या। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज का सबक है, आपने खूब से मशक करनी है और प्रैक्टिस करके मुझे रिप्लाई करना है। अल्लाह आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।